बच्चों, आज हम सुनेंगे दो मेंढकों की कहानी। एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल में उछल उछल कर जा रहे थे कि तभी दो मेंढकों का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वे दोनों दलदल में जा गिरे। अब दलदल में गिरने की वजह से वे दोनों फंस चुके थे और बाहर आना उनके लिए मुश्किल था। बाकी के सारे साथी उन दोनों से कह रहे थे कि अब उन दोनों का बचना मुश्किल है, क्योंकि दलदल में जो भी फंसता है वो वहाँ से बाहर नहीं निकलता। ये सुनते सुनते एक मेंढक उस दलदल में फंसकर मर गया, जबकि दूसरा मेंढक बार बार कोशिश करते करते उस दलदल से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकला, तब बाकी के साथियों ने उससे पूछा कि क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी थी? जवाब में उस मेंढक ने कहा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, इसीलिए जब तुम कुछ कह रहे थे तो मुझे लगा कि तुम सब मिलकर मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो और मेरा हौसला बढ़ा रहे हो। इसी वजह से मैं बार बार कोशिश करता रहा और उस दलदल से बाहर निकल आया। तो बच्चों, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए और दूसरों के द्वारा कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।